नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। योग गुरु बाबा रामदेव ने अभी कॉमर्स में धमाकेदार एंट्री कर दी है। आपको बता दें कि उन्होंने पतंजलि के उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए प्रमुख ई रिटेलर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस करार के बारे में जानकारी दी और इस मुहिम को हरिद्वार से हर द्वार तक का नारा दिया। चैरिटी के संकल्प के साथ हम इस अभियान को आगे लेकर के आए। हमें करोड़ों लोगों का इसमें समर्थन मिला और आज उसका एक नया चरण शुरू हुआ है। इसमें आप सबकी भागीदारी के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आपके कोई प्रश्न हो तो मैं आमंत्रित करता हूं। माइक उधर भी दे दो। बाबा जी, एक मेरा प्रश्न है। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं अमेज़न वाले, शॉप क्लूज वाले, इन सब में आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है प्राइस के ऊपर, तो क्या आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा कंपटीशन करेंगे आपस में? कि बाबा जी का अगर सपोज कोई टूथपेस्ट है 90 रुपीज का है तो क्या उससे कम में देंगे या आपके प्रॉफिट में से? आचार्य जी इस मामले में बहुत होशियार है, पहले से प्रबंध कर रखा है। हमने सबसे वादा करवाया हुआ है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को ये डिस्काउंट पर या दूसरे ढंग से नहीं बेचेंगे। अभी तो जो हमारा जो MRP है उस पर आप लोग सेल करेंगे, ये सब लोगों के साथ वचनबद्धता है। और ये सेल ज़्यादा कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, जो जितना ऐड करेगा, जितना प्रचार करेगा, उसकी उतनी बिक्री होगी। ये जितना प्रचार करेंगे, पतंजलि का प्रचार फ्री में घर घर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पतंजलि का ज़्यादा हित है और आप लोगों का उस हित में ही हित है। तो पहले पतंजलि का हित करेंगे तो फिर आप लोगों का हित होगा और वो हित जनता तक पहुँचेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, 25 से लेकर के 100% तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स में पतंजलि के प्रोडक्ट सस्ते हैं। हनी हमारा करीब 50% सस्ता है। हमारी औषधियां करीब 100 से लेकर के 500% सस्ती हैं, माने दो गुना से लेकर के 5, और मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शक्ति आदि तो 10-10 गुना, हीरे की भस्म, स्वर्ण भस्म आदि 10-10 गुना सस्ती है। बाकी जितने भी, चाहे वो च्यवनप्रास है, चाहे वो फिजिकली रिफाइंड ऑयल हैं, चाहे हमारे क्रीम्स हैं, चाहे वो हमारे नूडल्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, वो हमारे पहले ही मैंने कहा 25 से लेकर के 100% सस्ते हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों को करने की जरूरत नहीं, वो हमने पहले से की हुई है। नेक्स्ट, इधर इधर माइक इधर दो ना भाई। हाँ बाबा जी, संजय शर्मा इंडिया न्यूज से। बाबा मेरा प्रश्न है आपसे, इधर सामने बाबा। हाँ जी जी जी, आपने प्रोडक्ट की रेंज काफी बढ़ा दी है, पहले कम प्रोडक्ट शुरू किए थे, अब कई सारे प्रोडक्ट में आप आ गए हैं पतंजलि को लेके। कारोबार भी काफी लंबा चौड़ा बढ़ गया है आपका, अच्छी बात है। लेकिन आप इस पे क्वालिटी कंट्रोल पर किस तरीके से ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती यही है और रही है आपके साथ में कि अब आपके प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, रेंज बढ़ती जा रही है, मार्केट बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल पर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये सवाल आपके ऊपर बार बार खड़ा हो रहा है। जरूर, आपका बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं उसका बहुत प्रामाणिकता से उत्तर देना चाहता हूं। हमारे पास 300 तो सीनियर साइंटिस्ट हैं, करीब क्वालिटी कंट्रोल के लिए 500 लोगों की एक पूरी वर्कफोर्स है, जिसमें जूनियर साइंटिस्टों से लेकर के सीनियर साइंटिस्टों तक हर एक जगह जहां भी प्रोडक्शन होता है कम से कम 3 से 5 बार उसके चेक्स रखे गए हैं। रो मटेरियल से लेकर के प्रोसेसिंग के दौरान, प्रोसेसिंग के बाद 3 से 5 महीने के बाद, और उसके बाद में 1-1, 2-2 साल के बाद तक, क्योंकि कुछ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी 2-2 साल भी सेल्फ लाइफ होती है। तो ऐसे करीब 3 से 5 बार हम लोग कंटिन्यू उनका जो साइंटिफिक उनका चेक का जो प्रोसेस है वो हमने रखा हुआ है। और पिछले दिनों पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने जाकर के किया था, कुछ लोग पहले यह हम पर आरोप लगाते थे, बाबा के पास फेथ, ट्रस्ट, लॉयल्टी तो है, भरोसा, आस्था, विश्वास तो है, लेकिन विज्ञान कहां?
तो हमने कहा हम प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिकता और आधुनिकता को साथ साथ लेकर के चलने वाले हैं, और हमने ये पूरा सेटअप किया है, और इस चीज के साथ हम कभी भी किसी भी कीमत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारा पहले भी वादा था और आज भी हमारी ये भीष्म प्रतिज्ञा है। और यदि किसी कारणवश कोई, अब इतना बड़ा ये पतंजलि का साम्राज्य है, कोई ह्यूमन एरर भी हो जाता है, तो हम उसके लिए क्षमा पूर्वक देश के लोगों को कहेंगे कि हमसे यहां गलती हुई है, और उस प्रोडक्ट को हम वापस लेंगे यदि कभी ऐसा हुआ तो, और हम देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता आज भी है। स्वामी जी, इधर शिष्य जी, मेरा सवाल यह है कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए ऐसे हैं, उनमें किसी में FDI भी लगा हुआ है? अभी सरकार ने खुदरा व्यापार में जो FDI को लेकर के शर्तें आसान की हैं, आपका क्या मत है, खुदरा व्यापार में FDI आना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा मत तो FDI नहीं आने वाला है, लेकिन मैं अभी कोई राजनीतिक पंगा मोल नहीं लेना चाहता, आज एक शुभ कार्य हो रहा है। धन्यवाद। मैं शरद हूं NDTV से। इधर स्वामी जी। जी मैं समझ रहा हूँ शरद जी, बहुत प्यार है आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये माना जाता है कि जो ऑनलाइन वाले होते हैं, इनकी वजह से जो स्टोर्स खोल के बैठे होते हैं या दुकानें होती हैं, इनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये डील्स अच्छी मिलती है ऑनलाइन पर। तो आपके ऑनलाइन जाने से जो पहले से स्टोर्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है किसी ने, या स्टोर्स हैं जो शुरू से आपके साथ जुड़े, आपके ऑनलाइन जाने से उनको नुकसान नहीं होगा? आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया, इसका समाधान भी इसी महीने हम लेकर के आ रहे हैं। मैं उसकी यद्यपि विधिवत घोषणा बाद में करने वाला था, लेकिन आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए उत्तर के रूप में इतना ही कहूंगा, हम स्वदेशी समृद्धि एक लॉयल्टी कार्ड लेकर के आ रहे हैं, जिसमें पतंजलि जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं वहां पर लोगों के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी होगी, और उसकी डिटेल तो बाद में बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर हम लोग एक विशेष व्यवस्था कर रहे हैं लॉयल्टी कार्ड के तहत, करीब 5 करोड़ लोगों को जोड़ने वाले हैं, और उसमें आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु पर हम लोग 5 लाख रुपए, और जो है स्थायी दिव्यांगता पर 2.5 लाख रुपए तक के एक सहयोग की भी योजना लेकर के आ रहे हैं, वो आपके बीच में हम जल्दी इसी महीना प्रस्तुत कर देंगे। तो हम अपने करीब 5,000 हमारे वो पतंजलि के एक्सक्लूसिव पार्टनर्स, जो पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों के माध्यम से पतंजलि को इतना बड़ा आधार दिया है, हम उनको साथ लेकर के चलेंगे, और वहां से करीब 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना इसी महीने आपके बीच में हम लेकर के आएंगे। स्वामी जी इधर, मैं विप्लव हूँ। स्वामी जी इधर देखिए। हाँ, अब बगल में। हाँ, मैं बगल में ही हूँ स्वामी जी, शरद जी के। स्वामी जी, ऑनलाइन को लेकर और जहाँ तक साइबर अपराध की बात करें, एक बड़ा अनिश्चितता का वातावरण है, क्योंकि तमाम इस तरह की खबरें आती हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। चूंकि पतंजलि गांव-गांव तक पहुंचता है, वहां पर स्टोर से लोग परचेस करते हैं, कितना लगता है कि ऑनलाइन मार्केट में कितना पतंजलि अपने आप को इस वातावरण में, जहां तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंकों के माध्यम से फ्रॉड होते हैं, तो इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, हर एक क्षेत्र का अलग ट्रेंड है, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट लोगों का एक पूरा समूह है। तो हमारे इस समय खास करके जो 20 से 40 के बीच के जो यंगस्टर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा क्राउड है, जो हमारे सेंटर्स पर तक भी नहीं जा पाता, जो रिटेलर्स तक खुदरा बाजार में भी नहीं जा पाता, उसके लिए हमने ये सुविधा की है। और पतंजलि के साथ किसी भी तरह का कोई ये अनियमितता वाला प्रश्न नहीं आएगा, उसके लिए हमने एक पूरी व्यवस्था की है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी ई-कॉमर्स वाले हैं, सभी लगभग बहुत बड़ा बड़ा निवेश लेकर के बैठे हैं, और भविष्य में मुनाफे की कामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके मैं कहूँगा, लोगों को मुफ्त खोरी की आदत से ये भी थोड़ा मुक्त करेंगे तो इनका भी भला होगा। और जैसे पूरी दुनिया में चलता है भैया, ये जो है मुफ्तखोरी की आदत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो धीरे धीरे करके मुफ्तखोरी की आदत से मुक्त करने में भी हम इनका सहयोग करेंगे। बाबा जी, मेरा नाम अमित दुबे है, इस साइड।
मेरा नाम अमित दुबे है, मैं के न्यूज चैनल से हूँ। आपने एमआरपी की बात की है कि एमआरपी से कम में प्राइसेस जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे आपके स्टोर के अलावा, जो अन्य स्टोर्स हैं जहाँ पे कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट रखते हैं वो उन चीज़ों को डिस्काउंट में देते हैं, क्या लगता नहीं जो प्रॉपर आपके स्टोर है उन पर फर्क पड़ेगा? अपवाद तो सभी जगह होता है, इसलिए उसको न्यूनतम करने के लिए एक पूरा हमने चैनल सेट किया हुआ है। हमारे विनोद सिंगल जी भी कुछ ज्यादा ही चोरमा खा के आए हुए हैं हरियाणा का, जरा पूछ लीजिए। बाबा जी एक सवाल इधर से, बाबा जी इस तरफ, कुंदन हूं मैं न्यूज 24 से, मैं सुन रहा हूं। आपने खाने का तमाम प्रोडक्ट बना दिया, ये पूरा रेंज बना दिया, दो चीजें आपकी पेंडिंग है, एक जींस का आपने अनाउंस किया था क्योंकि जब यूथ को टारगेट करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कपड़े पहनते हैं वो जींस है, और दूसरा पतंजलि रेस्टोरेंट चेन, जो आप रेस्टोरेंट और होटल्स के चेन की बात कर रहे थे वो कब तक आ रहे हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी इसी महीने तो दिव्य जल जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, आपके सामने भी रखा हुआ है, थोड़ी झलक देख लीजिए आप भी। और हमने जो पूरा टेक्सटाइल वाला काम है, पतंजलि परिधान एक बहुत बड़े रूप में इसकी बैकएंड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, या तो इस साल दिवाली तक नहीं तो अगले वर्ष जनवरी तक हर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। करीब 3000 इसमें प्रोडक्ट्स होंगे, किड्स वेयर से लेकर के योगा वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, लेडीज के, जेंट्स के, और इसके साथ साथ एसेसरीज भी होंगी। तो एक बार फिर से आपको ले चलेंगे योग गुरु बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें सिस्टम पर ले आएंगे, तो हम लोगों के पास अभी सिस्टम को और ज्यादा विस्तार देने के लिए काफी आगे कार्य चल रहा है, और छोटे पैक्स काफी तो हमने कर दिए हैं, और आगे भी छोटे पैक्स जो बच गए बिस्किट आदि के, फूड और कॉस्मेटिक के, काफी हद तक हमने पूरा कर दिया वो काम, जो शेष रह गया वो भी 2-3 महीने में निपट जाएगा जी। स्वामी जी, स्वामी जी, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।